नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सोशल मीडिया और सामूहिक जगह पर पुलिस अलर्ट। गन्ना किसानों को प्रदेश सरकार ने दी खुशखबरी। सरकारी भूमि को ऑनलाइन करने के मामले में ये जिले हैं सबसे आगे। मैं अटल हूं फिल्म के दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर की इतनी कमाई। बांग्लादेश को हराते हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 की भारत ने किया आगाज। इसके साथ ही बढ़ते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गन्ना किसानों को लेकर प्रदेश सरकार ने दी खुशखबरी। बिहार सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल गन्ना पिराई 2023-24 के लिए किसानों के हित में गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के तहत 20 रुपए प्रति क्विंटल अधिक भुगतान इस सत्र से किसानों को खरीद पर किया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में बीते ही दिनों विभाग की बैठक हुई थी। बैठक के दौरान मंत्री आलोक मेहता द्वारा कहा गया था कि यह दर इसी सत्र की शुरुआत से लागू होगी। आगे उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य बढ़ाने से गन्ना के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ेंगे। इससे करीब 3 लाख गन्ना किसानों को फायदा होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सोशल मीडिया और सामूहिक जगह पर पुलिस अलर्ट। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर केवल अयोध्या ही नहीं पूरे देश में भक्त काफी उत्साहित है। इस दिन किसी प्रकार की गड़बड़ी या चूक न हो, इसे लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग भी अलर्ट नजर आ रही है। समारोह को लेकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में काफी सतर्कता बढ़ाई जा रही है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बड़े बाजार और धार्मिक स्थानों पर हर जगह अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा गाड़ियों की भी रैंडम जांच चल रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही। सोशल मीडिया पर फेसबुक, यूट्यूब और एक्स प्लेटफॉर्म के पोस्ट पर लगातार नजर रखे जा रहे हैं ताकि किसी तरह का भड़काव वीडियो या पोस्ट कोई शेयर ना कर सके और यदि कोई ऐसा करता है तो तुरंत कार्रवाई के साथ उसे हटाया जा सके। बिहार के 14वें मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का हुआ उद्घाटन। बिहार के 14वें मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर में श्रीराम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कर दिया गया है। इस दौरान मौके पर ही उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। इस अस्पताल को 591 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यह अस्पताल कुल 500 बेड का है। साथ ही मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए 120 सीटों पर बच्चों का दाखिला हो सकेगा। बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण का शिलान्यास साल 2018 में ही हुआ था। सरकारी भूमि को ऑनलाइन करने के मामले में ये जिले हैं सबसे आगे। राजस्व एवं भूमि विभाग की वेबसाइट पर प्रदेश में सरकारी जमीनों को ऑनलाइन करने का काम किया जा रहा है। अभी तक प्रदेश में सरकारी भूमि को ऑनलाइन करने के मामले में सबसे आगे बेगूसराय है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 29% हिस्से इस जिले में ऑनलाइन हो चुके हैं। वही लखीसराय और पटना भी इस मामले में पीछे नहीं है। लखीसराय अभी दूसरे स्थान पर और पटना तीसरे स्थान पर बना हुआ है। हालांकि इस मामले में नालंदा और शिवहर सबसे पीछे है। अंचल रिकॉर्ड के अनुसार सरकारी भूमि को ऑनलाइन करने का यह काम सभी अंचलाधिकारियों से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कहा गया है। प्रदेश में अब तक 15,71,399 एकड़ सरकारी भूमि ऑनलाइन हो चुके हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भूमि एंट्री रिपोर्ट में मिली है। मुख्यालय के आदेश पर 27 जनवरी तक रद्द हुई पुलिस कर्मियों की छुट्टियां। एक तरफ जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्साह देखा जा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में विधि व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा पर किसी तरह की आंच न आए, इसे लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बिहार में पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यह छुट्टियां 27 जनवरी तक रद्द की गई हैं। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश भी जारी किए गए हैं ताकि पुलिस के रहने से सांप्रदायिक सद्भाव और विधि व्यवस्था बनी रहे। विशेष परिस्थिति में ही कार्यालय प्रधान द्वारा पुलिस कर्मी को छुट्टी दी जाएगी। मैं अटल हूं फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर की इतनी कमाई। 19 जनवरी को सिनेमा घरों में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक फिल्म मैं अटल हूं रिलीज हुई। इस फिल्म में बिहार के बेटे पंकज त्रिपाठी ने अटल बिहारी वाजपेयी की मुख्य भूमिका निभाई है। सिनेमा घरों में फिल्म की शुरुआत कुछ खास तो नहीं रही, लेकिन दूसरे दिन कलेक्शन काफी अच्छा देखने को मिला, जिससे फिल्म मेकर्स को थोड़ी राहत मिली है। फिल्म ने अब तक कुल मिलाकर 2 दिनों में 2.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और फिल्म मेकर्स द्वारा उम्मीद लगाई जा रही है कि रविवार को भी फिल्म में थोड़ी और अच्छी कमाई देखने को मिल सकती है। प्रदेश के इन 4 शहरों में बनेंगे 5 रेलवे ओवरब्रिज। प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में रेलवे गुमटी के कारण जाम की समस्या देखने को मिलते हैं। ऐसे में खबर आई है कि 5 रेलवे ओवरब्रिज राज्य के 4 शहरों में बनाए जाएंगे ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके। मिली जानकारी के अनुसार यह सभी रेलवे ओवरब्रिज 3 वर्ष के अंदर ही बनाए जाने की खबर है। इसमें पहला रेलवे ओवरब्रिज समस्तीपुर के दर्शन सराय में ऐसे गेट संख्या 32A के ऊपर बनाए जाने हैं। इसे बनाने के लिए करीब 135 करोड़ रुपए तक के खर्च आ सकते हैं।
वहीं दूसरा रेलवे ओवरब्रिज छपरा में मसरक शाम कोरिया के बीच मनाए जाएंगे। इसे बनाने में करीब 56 करोड़ रुपए के खर्च आने वाले हैं। वहीं बाकी के रेलवे ओवरब्रिज मुंगेर के साफिया सराय, भागलपुर के शिव नारायण और मिर्जा चौकी में बनाए जाएंगे। इतने सस्ते दाम पर विमान के जरिए पटना से अयोध्या की कर सकेंगे यात्रा। स्पाइस जेट एयरलाइंस की तरफ से पटना से अयोध्या यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल पटनावासी पटना से अयोध्या तक की घंटे भर में यात्रा महज 3000 रुपए में ही कर सकेंगे। यह सुविधा 1 फरवरी से यात्रियों को दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पटना से अयोध्या के लिए विमान दोपहर 2:25 पर उड़ान भरेगा और 1 घंटे की दूरी तय करके 3:35 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा। वहीं अयोध्या से दोपहर 1 बजे टेक ऑफ होकर 2 बजे फ्लाइट पटना पहुंचेगी और वापसी में यही फ्लाइट 25 मिनट बाद अयोध्या के लिए रवाना हो जाएगी। 3000 टिकट की शुरुआत कीमत रखी गई है। एक जो खिलाड़ी जूनियर नेशनल बालक बालिका सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप में आज से हो सकते हैं शामिल। जूनियर नेशनल बालक बालिका सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार पटना में होने वाला है। यह आयोजन 21 से 25 फरवरी के बीच होगा। वहीं 23 और 24 जनवरी को सुबह 9 बजे जो बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं उनका चयन बिहार बालक बालिका टीम में किया जाएगा। बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार सॉफ्ट बॉल संगठन के अध्यक्ष गौतम कनोडिया द्वारा दी गई है। वहीं संगठन के संयुक्त सचिव रूपक कुमार द्वारा बताया गया है कि यह चयन पटना के संपतचक स्थित लॉ मार्टिनियर स्कूल में संपन्न होगा। सभी जिले के 100 खिलाड़ी अपने आयु प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के साथ शामिल हो सकते हैं। पटना पुलिस लालू यादव के पोते के खिलाफ कर रही सख्त कार्रवाई। लालू यादव के पोते तनुज और नयन यादव ने सरकारी अफसर के खिलाफ जानलेवा हमला किया था। इस मामले को देखते हुए पुलिस तुरंत एक्शन में आ चुकी है और आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेने के लिए स्थानीय अदालत पहुंच चुकी है। तनुज और नयन यादव दोनों के खिलाफ आरोप है कि इन्होंने डोभी नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी अरविंद सिंह की बुरी तरह से पिटाई कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। फिलहाल अधिकारी का इलाज दिल्ली में चल रहा है। वहीं मामले को लेकर पटना शहर के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार द्वारा बताया गया है कि दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए बिहार के बाहर के स्थान पर तलाशी और छापेमारी करने की जरूरत है। इसके लिए अदालत से अरेस्ट वारंट की मांग की गई है। आरोपी मंगलवार रात हुई वारदात के बाद से फरार है। के पाठक के पद पर वापस आने के बाद मांझी ने जताई खुशी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अब अपने पद पर वापस आ चुके हैं। उनके पद पर वापस आते ही जीतन राम मांझी ने खुशी जाहिर की है। दरअसल उन्होंने कहा है कि अगर के पाठक जैसे पदाधिकारी मुख्य सचिव बन जाए तो बिहार का भला हो जाएगा। ऐसे में मांझी के बयान से यह साफ है कि उन्होंने इशारों में के पाठक को मुख्य सचिव बनाने की भी मांग कर दी है। आपको बता दें कि के पाठक अचानक से लंबी छुट्टी पर चले गए थे, इसके बाद उनके इस्तीफे की चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन अपने पद पर वापस लौटते ही उन्होंने इन सभी चर्चाओं पर लगाम लगा दिया। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी का बिहार में रहेगा ये कार्यक्रम। बिहार में कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा के जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में खबर आई है कि 29 या 30 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत किशनगंज अररिया के राष्ट्रीय पूर्णिया पहुंचने वाले हैं। यहां आने के बाद वे जनसभा को रंगभूमि मैदान में संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी बिहार में आने वाले हैं। इसे लेकर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष सह कोसी सीमांचल प्रभारी अमरजीत कुमार द्वारा कहा गया है कि राहुल गांधी 30 जनवरी को पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले वह 29 जनवरी को बंगाल के रास्ते किशनगंज पहुंचेंगे। 29 को ही अररिया में रात्रि विश्राम की संभावना है। 30 जनवरी को पूर्णिया में आम सभा के बाद में रात्रि विश्राम करेंगे। कर्पूरी जयंती को लेकर जदयू की है खास तैयारी। कर्पूरी जयंती को लेकर बिहार में राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। इसी कड़ी में जदयू भी हर वर्ष की तरह इस बार भी पटना में भारी स्तर पर 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती का आयोजन वेटनरी कॉलेज मैदान में करने वाली है। इस बार कर्पूरी जयंती को लेकर खास उत्साह इसलिए भी है क्योंकि वर्ष 2024 कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी वर्ष है। जदयू द्वारा आयोजित की जा रही कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी नीतीश कुमार की देखरेख में की जा रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को आने के लिए निमंत्रण मिल रहा है। इससे पहले जब कर्पूरी जयंती सीएम नीतीश द्वारा मनाया गया था तब सरकार ने जन कल्याण के लिए नई योजनाएं शुरू की थी। इस बार भी चर्चा है कि सरकार की तरफ से जन कल्याण को लेकर किसी नई योजना की शुरुआत की जा सकती है। चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री पद से हटाए जाने पर चिराग पासवान का बयान। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मंत्री चंद्रशेखर को उनके शिक्षा मंत्री पद से हटा दिया गया है। अब इस मामले को लेकर चिराग पासवान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विवादित बयान देकर समाज में भेदभाव की भावना वे प्रकट कर रहे थे, शिक्षा मंत्री की एक जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में शिक्षा की नींव को इतना मजबूत करें कि जात धर्म मजहब से ऊपर उठकर एकता का भाव लेकर अपने प्रदेश के लोगों के साथ लेकर चलने का वह कार्य करे। उन्होंने कहा कि यह मंत्री महोदय ने जिस तरीके से एक भारी आबादी की भावना को भड़काने का काम किया, समाज में भेदभाव की भावना को उत्पन्न करने का काम किया,
ऐसे में वैसे मंत्री पर पहले ही बड़ी कठोर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से हटाया गया है। बांग्लादेश को हराते हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 की भारत ने किया आगाज। भारतीय टीम ने अपने जीत के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के अभियान की शुरुआत कर दी है। बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ 20 जनवरी को जो मैच हुए थे उसमें भारत ने 84 रनों से अपनी जीत दर्ज की है। भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 251 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया था। वहीं बांग्लादेश ने इसके जवाब में 45.5 ओवर में 167 रन बनाए हैं। हालांकि मैच के दौरान बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन बांग्लादेशी बल्लेबाज भारतीय खिलाड़ियों के सामने अधिक समय तक पिच पर टिक नहीं पाए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है धनंजय कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, अनिकेत यादव, गोनर शर्मा, आर के राणा, धर्मवीर कुमार, गौरव यादव, रवि कुमार राम, अंजू कुमारी, रंजीत मिश्रा, पुष्पक कुमार, एमडी साकिर हुसैन, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, नौसाद रजा, आशुतोष तिवारी, मदन कुमार मोहित। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, शिक्षा मंत्री को पद से हटाए जाने पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।